कहा सुना माफ कर देना। जाने अनजाने में मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो मेरा मोबाइल नंबर तो है ही आपके पास, गालियां मैसेज कर देना। कैसी बात कर रहे हैं आप श्रीमान दीवान, गालियां और हम? नहीं नहीं, हम तो पूजा पाठ करने वाले सात्विक लोग हैं, गालियां नहीं आती हमें। गजब गजब दीवान चा, ये पर्सनल लेवल पर हमारा रिक्वेस्ट है, इनसे गाली देने के लिए मत कहिए, नहीं तो गाली दे के ना दिवाली कर देंगी आपका। चीते, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा अच्छा और सच्चा इंसान नहीं देखा पुष्पा जी। आया तो था दुश्मनी लेकर, लेकिन जाते जाते अपने दिल में आपके लिए बहुत इज्जत लेकर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। और संतोष शर्मा, आप मिशन काला कबूतर की फाइल मैंने आपको सौंपी है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता लगाना है कि मुझे गोली किसने मारी। जी। हमको तो पता ही है। आपको पता है? बताओ किसने मारी थी? हमको ये पता है कि आप जो फाइल है वो संतू जी को दे रहे हैं, तो संतू जी बड़ा शिद्दत से कोशिश करेंगी उस अपराधी को ढूंढने का। ऐसे आ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो जैसे ही पता लगेगा ना मुझे फोन जरूर करना, क्योंकि जब तक मैं उस इंसान का गला दबोच नहीं लेता हूँ ना, तब तक मुझे और मेरे कंधे को शांति नहीं मिलेगी। तो आप फोन करना। Congratulations. जीत फाइनली आप लोगों की हुई, आना फिर से आपका हुआ। और हाँ, हसीना मलिक वापस आए तो उनसे कहिएगा किसी गलत फहमी में ना रहे, हम लोग हार के थोड़ी ना जा रहे हैं, ये तो अचानक से हमारे ट्रांसफर ऑर्डर आ गए तो हमें जाना पड़ रहा है। अच्छा, क्या है ना, कुछ लोगों का कद जो होता है ना वो मयार होता है जिनके आगे हार जीत जो है वो बहुत हल्की हो जाती है। उनकी अच्छाई के आगे, उनकी व्यक्तित्व की सच्चाई के आगे ये सब मायने नहीं रखता है। आपको समझने में बहुत देर लग गई सर, लेकिन जब आप समझ में आए तो आज समय नहीं है कि आपको वो सम्मान दे सके जिसके आप अधिकारी हैं। मतलब डीएसपी सर ने आपको सब कुछ बता दिया? जी सर, और जब से आपके असली रूप से अवगत हुए हैं हमारे दिल में आपके लिए सम्मान बहुत बढ़ गया है सर। इसलिए नहीं कि आप थाना हमें देकर जा रहे हैं, वो तो हम वैसे ही ले लेते हैं, हम तो उतने सक्षम हैं, मगर इसलिए कि आप औरतों को अपने से ज्यादा योग्य मानने में संकोच नहीं करते हैं सर। इससे पता चलता है कि आप कितने गजब के इंसान हैं। मतलब सर, हमें नहीं पता कि आपके परिवार के आगे या आपकी बहन आपके बारे में क्या मानती है, लेकिन हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी आपको अपना भाई, अपना बेटा, अपना पति, अपना दोस्त मानकर बहुत 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 गर्व महसूस करेगी, जैसे कि आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आज तक तो आपको सल्यूट करना हमारा ड्यूटी था सर, लेकिन आज ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और वो भी पूरे दल से। जय हिंद। जय हिंद। लगता तो नहीं है कि आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी, बट इन केस अगर फ्यूचर में मेरी जरूरत पड़े तो आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही, बस एक कॉल कीजिएगा, आप लोगों के बगल में खड़ा मिलूंगा मैं आप लोगों को। चलते हैं। आइए दीवान जी। अरे अमर सर, जय सर, सर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है सर, सर आपकी दादी का। गोदी में मत चढ़ जाना तुम। निकालो, चलो हटो हटो हटो, ए उतारो उसको, निकालो गाड़ी, निकालो कोर्ट, निकालो। आखिर महिला पुलिस थाना हमारा हुआ। सुनिए 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 सुनिए, खास खबर खास खबर, सुनिए सुनिए ख्वातीनों हजरात, आपके शहर लखनऊ में सेल 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 सेल, लीजिए सेल सेल, छह भाग छह भाग छह भाग, सेल सेल सेल। क्या है?
अरे इतनी जवान जहान हसीन खूबसूरत लड़कियाँ आपकी आंखों के सामने खड़ी है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? वही आपकी खूबसूरती पुष्पा जी इतनी है कि हमारी आंखें एकदम ऐसे चौंधिया आ गई थी और हम आपसे आके ऐसा टकरा गए। क्या अभी ऐसे आपका काम हो गया? चले, खड़े खड़े चार चाय पी चुके हम। चलिए, छह बाग रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बिक्री के लिए उपलब्ध है। उक्त संपत्ति की नीलामी हेतु नियत तिथि व निर्धारित समय व स्थान पर किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करे घनश्याम धरोहर। ये का टोपा गिरी है। अरे होगा कोई सरकारी टेंडर, किसी सरकारी योजना के तहत पहला वाला सब बेच के नया कुछ कर रहे होंगे। हमको क्या करना है? चलिए चलिए, देर हो रही है। नहीं, एक सेकंड पुष्पा जी, ये सरकारी विज्ञापन नहीं है, ये कोई निजी विज्ञापन लग रहा है। हाँ, कोई निजी रूप से जो है वो ये छह बाग रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म बेचना जा रहा है। भैया ये तो हमें किसी गड़बड़ की बदबू आ रही है, बता रहे हैं। ये टेम्पो वाला निकल गया, वरना उसको पकड़ के ऐसा धोते और बताते ऐसा गैर कानूनी विज्ञापन ये सबको बांट रहा है। जाने दीजिए ना, हमें क्या करना है? चलिए एक मिनट पुष्पा जी, हमें क्या करना है? हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम क्या है? कुछ ऐसा संदिग्ध लगता है तो उसका पता लगाना हमारा काम है ना। पता तो करना पड़ेगा ना कि क्या चूरनगिरी चल रहा है। ये पकड़िए। हेलो, गुड मॉर्निंग। जय हिंद मैडम। महारानी उड़ गई हो तो कायनात को बोले कि शुरू हो जाए। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के बीच में जो समय होता है ना, उसको ड्यूटी बोलते हैं। संतू, कुछ समझ में आ रहा है तुमको? जी मैडम, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई उठने में। हाँ ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है ना, पुलिस वाली हो ना तुम, एक गोली खाओगी ठीक हो जाओगी। गोली? अरे जड़ बुद्धि, मतलब बंदूक वाली गोली नहीं संतू, दवाई वाली गोली खाओगी। अच्छा ऐसे आ रही थी आप? हाँ हम ऐसे वैसे जैसे भी आ रहे थे। अच्छा सुनो, तुमको एक नंबर भेज रहे हैं, घनश्याम धरोहर उसका नाम है, उसको उठा कर लाओ। ठीक है? उठाना है? नहीं 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 मैडम, प्लीज ये काम किसी और को दे दो। ऐसे मैं सुबह सुबह किसी को नींद से उठाऊं भी फोन करके? तुम सामने होती ना, तुमको दवाई वाला नहीं, तुमको सच का गोली मार देते हम। थाने का मतलब है नंबर भेजा है, उसको ट्रेस करो, उस तक पहुंचो, उसकी कुंडी निकालो और उसको थाना लेकर आओ, समझी? अच्छा ऐसे आ रही हैं आप, ठीक है मैडम मैं लाती हूँ। आधा दिमाग तो हमारा यही खा जाती है। ये देखिए, ये कहाँ है? अरे वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। लल्ला के पप्पा ना बारिश के मौसम में ऐसे कश्तियां बनाकर गाना गुनगुनाया करते थे। ठीक है तो फिर हम जाते हैं बाइक पे, आप इसी पे बैठ कर आ जाइए। ठीक है? अरे अरे इस पे कैसे आ सकते हो? क्यों, जब इसकी यादों की हिंडोलों में आप उड़ सकती हैं तो इस पे बैठ के काहे नहीं आ सकती थाने? ज़रा दिमाग मत खराब कीजिए हमारा, हम आपके साथ आए थे, आप ही के साथ जाएंगे, जो चाहे उखाड़ ले। थोड़ी तो जगह रख देते ना, बैठ सकते थे आराम से हम। आप ये जो नक्शा देख रही हैं, ये पूरा रेलवे का नक्शा है और ये जो छह बाग स्टेशन है ये पूरा का पूरा हमारा है, ये हमारा है, हमारा है। वो समझ हमारा है। समझ। अच्छा अच्छा, मतलब क्या है? मतलब हम बता रहे हैं मैडम कि ये हमारा जो है ये पुश्तानी जो है हमारी धरोहर है, तो हमारे पिताजी ने देशभक्ति में जन सेवा के लिए ये स्टेशन छोड़ दिया था। अब क्या है कि हमारा जो इकलौता बेटा है इसे हमें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजना, तो रुपए पैसों की जरूरत के लिए हम इस पूरे स्टेशन में से केवल एक ही प्लेटफॉर्म हम बेचना चाहते हैं। क्या आप नहीं बेच सकते हैं? क्या आपके पुलिस वाले जो है हमें जबरदस्ती यहाँ उठा के लिए? बताइए उन्हें कोई तरीका को बातें हैं। तुझे क्या हुआ? सीनियर हंस रही है ना, तो फॉलो कर रहे हैं मुझे। अरे बहुत फनी टाइप के बंदे हैं आप दिवाकर जी। दिवाकर नहीं, धरोहर, धरोहर जी हमारा, हमारा पूरा नाम धरोहर जी है। हाँ भाई। और फिर क्या बताया आपको कि भगवान ने हमारी शक्ल, सूरत, हमारा पहनावा ही ऐसा बताया कि हमें देख के लोग ऐसे छूट ही जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आपके हुलिये पर नहीं, आपने अभी अभी जो जोक सुनाया ना हमें, हम उस पर हंस रहे हैं। गधे नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि हम गधे जो आपको ऐसा जोक सुनाएंगे? हैं हम क्यों सुनाएंगे आपको जोक? अरे भाई, तो आपने जो छह बाग स्टेशन को अपनी संपत्ति बताया वो जोक नहीं तो और क्या है? मतलब आप कैसे कह रही हैं जोक है? भाई हमारे स्वर्गीय पिताजी ने, श्री राधे श्याम धरोहर जी ने ये जो स्टेशन है ये वसीयत हमारे नाम किया है, मतलब मतलब हम क्या छोड़ रहे हैं? मतलब ये हमारा तुम्हारा दादाजी हमारा, हम घनश्याम धरोहर। बस 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 बस, हम समझ गए। चलिए मान लिया कि छह बाग स्टेशन आपका है, और अगर आपको मिल गया तो उसमें से हमें क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको बिकवा के क्या? मतलब क्या कहने का आपका? नहीं मतलब
अरे करोड़ों का मामला है, थोड़ा बहुत धन्यवाद तो हमारा भी बनता है। अरे पूरी डील का बस 10%, चलिए 5%। चलिए हमारे थाने में आज तक किसी ने रिश्वत नहीं लिया है और हमारे रहते ऐसा हम कभी होने भी नहीं देंगे। जैन मैडम, क्या वो संतु तुम्हारा मुंह का ही उकड़ा हुआ है? इनको से इनका बहुत ज्यादा तबियत खराब है। हम इनको फोन पर बोले भी कि आप मत आइए आज काम करने के, लेकिन आप ही बोली थी ना कि दवाई खाकर आ जाओ। संतु जाओ तुम आराम करो, तुम्हारी जरूरत पड़ेगा तो तुमको बुलाते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय जी हम है जी। तो हम कह रहे थे अगर यहाँ किसी ने रिश्वत लिया तो हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उसके लिए शिकायत करेंगे और फिर उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। जिस थाने की SHO खुद करप्शन के मामले में कानून से भागी फिर रही है, उस थाने की SI अब हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगी। मैडम सर ने क्या किया है क्या नहीं किया, वो गुनहगार है या नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा, हम नहीं। हम तुम्हारा ये कमीशन का जो तुम दुकान लगाती हो ना यहाँ पे, वो चलने नहीं देंगे, समझी तुम? करिश्मा सिंह, क्या सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अरे हम तो भूल ही गए थे कि आप तो अपनों से ही जख्म खाए बैठी है। बहरे को क्या चाहिए, दो कान। मिस्री को क्या चाहिए, बस एक मौका, जो कि हमें इस बार मिला नहीं क्योंकि बच गई आप। वरना हसीना मलिक को फरार कराने के आरोप में इंक्वायरी के ऐसे भंवर में फंसा देना आपको कि जिंदगी भर उसी भंवर में फड़फड़ाती रहती, कभी बाहर नहीं निकल पाती, समझी? किस्मत की बहुत धनी है सच में कि हमारे बीच में हमेशा जो है ना ये यूनिफॉर्म आ जाती है। किसी दिन किस्मत मेहरबान होंगी ना हमारे बीच में ये खाकी नहीं आएगी, तब हम तुमको बताएंगे कि बंद पिंजरे में शेर को कंकर मारने से और खुले मैदान में उसका सामना करने में कितना फर्क होता है। तब ये डायलॉग बाजी नहीं करेंगे हम, सीधा फैसला होगा उस वक्त। चलिए कोई बात नहीं, उस दिन का भी इंतजार रहेगा हमें। अब तो हो गया आपका। तो हम ये कह रहे थे, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि 6 बाग स्टेशन आपका है? हाँ बिल्कुल है, हमारा है। प्रमाणित कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते, प्रमाणित प्रमाण है, लेके आए। ये लीजिए, ये देखिए, ये है वो स्टाम्प पेपर। अब इस पे हमारे स्वर्गीय पिता राधेश्याम दरोवर जी ने साफ साफ लिखा है कि ये जो है कि हमारी संपत्ति है और तत्कालीन मजिस्ट्रेट के साइन है, कोर्ट की मोहर है, देखिए हमारा है। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, क्या चल रहा है सब? अरे क्या मार खाओगे, बंद करो ये सब। कौन है ये लोग, कौन है? अरे खाने के सामने क्या कर रहे हो तुम? ये इनको रोको, छुपे रोको। अरे रुको, मेरा ट्रैक किस बात? अरे इंजन रुक ना यार, कितना गर्म हो गया, क्या बात हो गया? छोड़ दो, कहाँ जा रहे हो? इंजन के पीछे, इंजन के यार्ड में, चलो यार्ड। क्या बिल है ये सब? कौन है ये जोकर लोग, बताओगे क्या चल रहा है? प्रैक्टिस कंटाप खाने की, अपना हक पाने की, यही है खबरी। इन्हीं की वजह से अपने थाने की आधे से ज्यादा केस सॉल्व होती आई है। इनका एक ही ठिकाना था, वो था 6 बाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। वो भी सुनने में आ रहा है कि कोई तो बेच रहा है, सारे शहर में इश्तिहार बट रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है। ये जुल्म हम सह नहीं सकते, बताओ। बिल्लू द स्पाई, बिल्लू चंपत, ये इन खबरियों के एसोसिएशन। हाँ, इनका इनका मामे प्रेसिडेंट होना, इस नाते ये जुल्म मैं सह नहीं सकता, या अत्याचार या न्याय सह नहीं सकता। इसी के लिए, इसी के खिलाफ ये ऐलान कर रहा हूँ, इस शहर में ये हमारा प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेवकूफ है। क्या बोले? अरे हम कह रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ नहीं है, हम अपनी चीज बेच रहे हैं जो कि बिल्कुल भी गैर कानून नहीं है। ये बाग स्टेशन हमारा है और हम अपनी संपत्ति बेच के रहेंगे। ये पूंजीपति आक्रमण, अल्लाह बोल। अरे पेपर है हमारे पास, अरे कागज है, कैसे नहीं बेचेंगे? चलो अंदर, चलो चलो इनको लेके, चलो अंदर, चलो अंदर, चल भीतर, चल अंदर। चलो अभी कागज के नलका बना के बारिश के पानी में नाले में छोड़ देंगे। चलो अपना अपना काम करो, चलो अंदर। अब हल्ला बोलने में मजा आ रहा है आप सबको? करिश्मा मैडम, आपको गलत फहमी हुई है,
हमें रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें प्लेन नहीं चाहिए, ट्रेन चाहिए। अबे बोलो ना, नहीं तो ऐसे ही टेक ऑफ हो जाओगे। देखो देखो, हाँ बोल रहे हैं सारे के सारे हवाई जहाज, एक साथ बोल रहे हैं हाँ, उनको ट्रेन ही ठीक है। अगर किसी ने भी पैर जमीन पे रखा ना, पता है लग जाएगी। कुछ समझ रहे हैं आप? आज ये लोग है, कल को हजार लोग आ जाएंगे धरना प्रदर्शन करने में, तो कितना मुश्किल हो जाएगा कानून व्यवस्था करना ना। मतलब आपको पता नहीं है कि ये बात बढ़ते बढ़ते कितना बिगड़ सकता है सिर्फ आपकी चूरनगिरी की वजह से। झूठी? हाँ? मतलब क्या हम झूठी बात कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम भी किसी तरह का कोई बवाल नहीं चाहते, आपको बता रहे हैं, हम चाहते चोर उचक्के उठाई गिरे ठग नहीं है जो सरकारी जमीन पे कब्जा करके वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना देंगे। खानदानी लोग हैं हम, हाँ, और अपनी चीज बेच रहे हैं अब जरूरत पड़ने पर। और हम ये साबित कर सकते हैं कि जो छहबाग स्टेशन है ना, ये पूरा का पूरा हमारा है। किसका छलिया काट रहे हो पे? हाँ वो खाली पेट कुछ खाया नहीं, इसलिए गैस हो गया। तो हम कह रहे हैं कि किसका छलिया काट रहे हो आप? हम दातून लगते हैं क्या आपको? ऐसे फर्जी कागज बनाना ये बहुत बड़ा बात है क्या आज के जमाने में? फ्रॉड है। का बोले? नहीं, मतलब आपको क्या लगता है हम फ्रॉड है? देखिए मैडम, ये जो कागज है ना, वो नकली हो सकते हैं, लेकिन इंसान तो नकली नहीं हो सकता। और जो असली इंसान होता है उसे नकली कागजों की जरूरत भी नहीं होती है। आप हमारे बारे में, हमारे खानदान के बारे में पूरे शहर में किसी से भी पुष्टि करा लीजिए कि हमारा खानदान कितना पुश्तैनी, कितना मतलब पुराना खानदान है, है? तब शायद आपको हमारी बात पे यकीन आ जाए कि ये छहबाग रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा हमारा, ये हमारा, ये देखिए वसीयत सब कुछ हमारा है। हाँ, समझ गए। मैडम एक मिनट, और पीछ में हाँ मैडम, हमको क्या लगता है किसी पुराने खानदानी लोगों से इनके परिवार के बारे में तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि पुराने शाही परिवार के लोग ही बता सकते हैं इनके खानदान के बारे में। हाँ, जो कि इनके खानदान में तो दूर दूर तक मिलेगा नहीं। अरे ये क्या जाने खानदान क्या होता है, खानदान की साख क्या होती है? अरे खानदान तो हमारा है भाई, हमारे खानदान में हर दूसरा सदस्य सरकार के किसी ना किसी ऊंचे महकमे में और ऊंचे पद पर बैठा है और अपने खानदान का नाम रोशन कर रहा है। अरे मामा जी विधायक है, हमारे चाचा जी नेता है, इसे कहते हैं खानदान, और ये होती है इज्जत, और इसे कहते हैं खानदानी धरोहर। हाँ, होशियार है। हाँ, शुक्रिया। नहीं नहीं, मतलब हम कह रहे हैं कि हम होशियार हैं, घनश्याम धरोहर जो है वो होशियार है, हम हमारे लिए। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आज ही पता करते हैं आपके परिवार के बारे में, और फिर प्रमाणित हो जाएगा कि आपका परिवार कितना पुराना और कितना विश्वास पात्र है। जानते हैं हम ऐसे खानदानी शाही बंदे को जिसका लखनऊ में सबसे पुराने घराने से ताल्लुकात है और जिसकी बात पर कोई संदेह भी नहीं करता है, वो बताएगा आपके परिवार के बारे में। कौन? नवाब साहब। पुष्पा जी, गौर से देखिए ना, ताजमहल के बाद अगर हम किसी को गौर से देखते हैं ना, तो वो आप हैं पुष्पा जी, आप। अच्छा नवाब साहब, आप इधर आइए, वहां देखिए, वहां देख के बताइए आप उनको जानते कि नहीं जानते हैं। उधर देखिए, इधर देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, अरे अरे इनको पहचानते ही नहीं। अरे नवाब साहब, आप तो मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे ध्यान से देखिए भाई, हमारे तो खानदान की कई पीढ़ियां आपके सामने पैदा हुई हैं, आप तो हमें पहचानते होंगे। पीढ़ियां? अरे क्या पीढ़ियां पड़ी हुई हैं, कोई हम डायनासोर के जमाने के हैं क्या? शांत 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 नवाब साहब। क्या शांत हो जाए पुष्पा जी, अरे बकवास कर रहा है ये आदमी। आप उन्हें नहीं पहचानते, राधेश्याम धरोहर हमारे स्वर्गीय पिताजी। अरे दिमाग पे जोर डालिए, हम बेटे हैं उनके भाई घनश्याम धरोहर। पहचाना के नहीं नवाब साहब, ध्यान से देखिए। पहचाना? अरे अब याद आया, पहचान लिया मैंने। इनकी नाक से, अरे इनकी वाली साहब की नाक भी बिल्कुल सुतवा जैसी नुकीली थी। हाँ, तो आपने पहचान लिया ना इनको नवाब साहब? याददाश्त के टुकड़े जो है जी, वो जुड़ रहे हैं। हाँ। थोड़ा सब्र कीजिए। अरे नवाब साहब, कब से सब्र ही तो कर रहे हैं। आइए बैठिए, बैठिए। तो जनाब, अगर आप धरोहर खानदान के साहबजादे हैं,
तो आप हमारे अब्बा हुजूर से जरूर मिले होंगे। हाँ, बल्कि वो भी हमसे मिले हैं। हमें भाई सही सीधी साफ बातें हैं। तो हमारे अब्बा हुजूर और आपके वालिद साहब, इन दोनों लोगों ने मिलके एक शेर लिखा था। शेर का जो पहला मिश्रा है वो ये है, तर्क तालुक पर रोया तू न मैं। पुष्पा जी गौर से फरमाइए। इरशाद। तर्क तालुक पर रोया तू न मैं, तो आगे का शेर आप इसको मुकम्मल कीजिए, तब हमें पूरा यकीन हो जाएगा कि आप ही जो है धरोहर खानदान के रोशन चिराग हैं। करिए ना, करिए, आपको पता होगा ना, फटाफट करिए इस चीज को। मुलाहिजा फरमाइए कि तरके तालुक की न रोया तू न रोया मैं, लेकिन ये क्या कि न चैन से सोया तू न सोया मैं। इसका मतलब है कि छेबाग रेलवे स्टेशन सच में इनका है। अगर प्लेटफॉर्म बिक गया तो कानून व्यवस्था सब गड़बड़ा जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।